अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वहाब रियाज ने आज मोहम्मद आमिर से टेलीफोनिक रब्ता किया और वीडियो कॉल पर दोस्तों मोहम्मद आमिर से उन्होंने रब्ता किया। और दोस्तों आपको बताते चलें कि मोहम्मद आमिर को उन्होंने पाकिस्तान टीम में शामिल करने का आज बड़ा ऐलान कर दिया। और मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए आज चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने बड़ी खुशखबरी सुना दी दोस्तों, जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि वहाब रियाज ने आज मोहम्मद आमिर से टेलीफोनिक रब्ते पर यह कहा कि क्या आप पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहते हैं, तो आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो और मैं आपको पाकिस्तान टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शामिल करता हूं। तो दोस्तों शाहिद अफरीदी का भी आज बड़ा बयान आ गया इस हवाले से कि चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने जो बड़ा ऐलान कर दिया है मोहम्मद आमिर के हवाले से कि उनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, शाहिद खान अफरीदी भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में अगर मोहम्मद आमिर की वापसी हो जाती है तो पाकिस्तान टीम के पास दो फास्ट बॉलर हो जाएंगे के तीन हो जाएंगे। उनका कहना था कि शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, वैसे तो हारिस रऊफ भी हैं और कई खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी जगह अब नहीं बनेगी और मोहम्मद आमिर की वापसी होने का बड़ा इम्कान अब बढ़ चुके हैं। दोस्तों आपको ये बता